चलिए आज बनाते हैं जीरा आलू। जी हाँ, आज की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, खासकर उन लोगों के लिए जो सिंगल है, यानी जो कहीं अकेले रह रहे हैं, उनके लिए रेसिपी बहुत ही फायदेमंद है। तो जीरा आलू बनाने के लिए मैंने लिया है देसी घी। आप चाहे तो कोई ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे जीरा, यानी जीरा मेन क्या है, जीरा। तो करीब आप 1.5 टीस्पून जीरा इसमें डाल सकते हैं। और जैसे जीरा हल्का सा सॉटे हो जाता है, मैं इसमें ऐड करूँगा हरी मिर्च बारीक कटी हुई, बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटा हुआ थोड़ा सा लहसुन। लहसुन ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना भी डालें। और उसके बाद इसमें ऐड करूँगा हींग। क्या आप जानते हैं हींग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो लोग जानते हो वो कमेंट में बता सकते हैं। हल्का सा भूनने के बाद में मैंने यहाँ पर आलू को बॉईल करके रखा हुआ था, जिसको मैंने छील लिया है और छोटा छोटा काट लिया है, इसमें मैं इसको ऐड कर दूँगा। अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद में अब मैं इसमें ऐड करूँगा 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और साथ में ऐड करेंगे चाट मसाला थोड़ा सा स्वादिष्ट बनाने के लिए, और स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक के बिना तो स्वाद अधूरा है ना। तो स्वाद अनुसार इसमें आप नमक ऐड कर दीजिए और इसको अच्छे से फिर मिक्स कर दीजिए। 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लीजिए इसको अच्छे से। और उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैं इसमें ऐड करूँगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये देखिए मैंने हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है जीरा आलू। और इसको आप कभी भी बना सकते हैं, झट से बनने वाली ये रेसिपी है। सो फ्रेंड, आज की हमारी रेसिपी जीरा आलू बन के तैयार है।